हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत के पहले कोरोना वायरस वैक्सीन का वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से मानव नैदानिक परीक्षणों के साथ शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि वह विस्कॉन्सिन ICMR और थॉमस जे प्रसन्न विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अपने तीन COVID-19 टीकों की घोषणा करके प्रसन्न है। भारत के बायोटेक BSL-3 बायोसेफ्टी लेवल 3 जेनोम वैली हैदराबाद में स्थित उच्च रोकथाम सुविधा में स्वदेशी और निष्क्रिय टीका विकसित किया गया है। कोरोना वायरस वैक्सीन का वैक्सीन अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा बीमारी COVID-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी निष्क्रिय टीका है। देश में अगले महीने जुलाई 2020 में कोवैक्सिन मानव नैदानिक परीक्षण शुरू होने वाले हैं। कंपनी भारत बायोटेक द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन अध्ययनों के परिणाम आशाजनक रहे हैं और व्यापक सुरक्षा और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाते हैं।